कौमांतरी कबड्डी खिडारी संदीप नंगल का कतल किया गया। ठीक उसे तरह की वारदात एक बार फिर तो बठिंडा के एक पिंड नजर आई है। पूरा मामला इस रिपोर्ट वेख लैने। पंजाब की मां खेड कबड्डी हुण खून खराबे की कबड्डी बनती जा रही है, जिसकी गवाही दो तस्वीर भरदिया ने। एक वो तस्वीर है जिथे मां खेड कबड्डी का हीरा गुंडागर्दी की भेंट चढ़िया, दूजी वो तस्वीर जो मां खेड कबड्डी खून च रंगन की कोशिश हुई। कौमांतरी कबड्डी खिडारी संदीप नंगलंबिया के कतल तो अजे खेड प्रेमी उभरे भी नहीं सन कि खेड के मैदान च एक बार फिर गोलियां चलिया, ताबड़ तोड़ फायरिंग हुई। गनीमत सी कि इस बार कोई जानी नुकसान नहीं होया। बठिंडा के पिंड कोठे गुरु च कबड्डी टूरनामेंट दौरान फायरिंग हुई। कुछ अनपछातियां ने चलते टूरनामेंट च ताबड़तोड़ गोलियां चलाउणियां शुरू कर दित्तियां। ये टूरनामेंट भगता पाईके दे नजदीक करवाया जा रहा सी। शाम नूं अराउंड 8:20 दे करीब साडे कंट्रोल रूम ते इनफॉर्मेशन आई सीगी कि थाना दयालपुरा च एक कोठा गुरु का एरिया च एक स्टेडियम हैगा जिथे कबड्डी का टूरनामेंट चल रहा सी, दो पिंडां दा, चौंका पिंड और अपना भगता। उत्थे जिहड़ी टीमां सी उहनां दा इस गल ते तकरारबाजी शुरू हो गई कि जिहड़े कबड्डी दे प्लेयर सीगे उहदे च इक टीम दे प्लेयर दा वेट एज़ पर रूल्स ज़्यादा सीगा, ते उह गल वधदी वधदी उत्थे इक विष्णु कुमार उर्फ गोलू नां दे बंदे ने एक 12 बोर दी जिहड़ी राइफल सी उहदे नाल हवाई फायर कीता, जिहदे नाल इकदम काफ़ी उत्थे हफड़ा दफड़ी मच गई। हालांकि इस बार हमलावर अपने मकसद च कामयाब ना होए, पर लोकां दी हिम्मत दे चलदिआं दो हमलावर काबू जरूर कर ले गए अते फिर पिंडां दे लोकां ने उहनां दी चंगी भूत सवारी। लोकां च गुस्सा अजिहा सी कि जो आया इन्हां हमलावरां ते अपना हथ खोलदा चला गया। मौके ते मौजूद लोकी सी उहनां ने दो मुंडिआं नूं मौके ते ही काबू कर लिया, उहनां दी राइफल भी उहनां तों खोली ते उहनां नूं काफ़ी कुट्टिया। और जदों SHO दयालपुरा इमीजिएटली मौके ते इनफॉर्मेशन मिलदे ही पहुँच गया सीगा, ते उहनां ने लोकां ने हैंड ओवर करते दो, ते दो बाई नेम उत्थों मौके तों भज गए। पुलिस मुताबक यह विवाद खिडारियों के ओवरवेट होने के बावजूद खेडन नूं लैके होया सी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस का दावा है कि इस गोलीबारी दौरान कोई भी शख्स जख्मी नहीं होया। जिहड़ी स्टेटमेंट असी लई हैगी राजविंदर सिंह दी, उहदे बयान दे मुताबिक 5-6 होर भी नाम मालूम सीगे जिन्हां नूं आइडेंटिफाई नहीं करदे, बट हुण असी शाम नूं ही FIR नंबर 43 अंडर सैक्शन 307 148 149 और 25 आर्म्स एक्ट लाया, ते दो बंदे असी अरेस्ट कर ले, ते बाकियां दी साडी CIA दी भी टीम लाई हुई असी रेड्स कर रहे, उहनां नूं भी अरेस्ट करांगे एंड चैक करांगे भी कित्थों इह बंदा इलीगल वैपन लैके आया, ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕਿਉਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਅਰਾਈਜ਼ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਚ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਰ ਇੰਟੀਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੋ ਦੈਟ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਤੀ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੰਡ ਮਲੀਆਂ ਖੁਰਦ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲੰਬੀਆਂ ਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਈ ਨਾਮੀ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਂ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਖੂਨ ਖਰਾਬੇ ਦਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰੰਗ ਮੰਦਭਾਗਾ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਤਨਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬੁਲਟਿਨ ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ APP ਸਾਂਝਾ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੀਆਂ ਬਾਵਾਂ, ABP ਸਾਂਝਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ TV ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਡਾਟਾ ਪਲੇ ਚੈਨਲ ਨੰਬਰ 1929 ਤੇ। ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇਖਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੇਬਲ ਆਪਰੇਟਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ABP ਸਾਂਝਾ, ਜੋਸ਼, ਜਜ਼ਬਾ, ਜਨੂੰਨ।